हेलो दोस्त, कैसे हैं आप साहब? हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब सही होंगे और आप लोग को न्यू ब्लॉग में स्वागत है। सबसे पहले आप लोग को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग पर छठ माँ की कृपा सदा बना रहे और आप लोग हम दिखाएंगे। यार मेरा गांव का सीन है छठ पूजा का, मतलब आप लोग को वीडियो दिखाने का कोशिश करेंगे। यहाँ पे अभी वॉइस आ रहा होगा जाता हो तो आप लोग वीडियो बना रहिएगा, वीडियो में सदा बना रहिएगा आप लोग। तो हेलो दोस्त, आप लोग देख सकते हैं ये हम लोग को छठ घाट का सीन है। यहाँ कितना सारा भीड़ है, आप लोग में वीडियो में बना रहिएगा, बहुत ही मज़ा आएगा। लोग छठ पूजा बाजा के साथ मना रहा है। ये देखिए गन्ना जा रहा है, मतलब आप लोग भीड़ देखकर समझ सकते हैं ये छठ पूजा हम लोग का बिहार का सबसे फेमस पर्व है जो छठ पूजा है। लोग कहीं भी अपना साल भर कहीं अपना पेट के चक्कर में कहीं भी कमाए खाएँ, लेकिन छठ पूजा ज़रूर मनाने आएंगे, क्योंकि हम लोग का ये बिहार का सबसे बेस्ट सबसे अच्छा अगर बोला जाए तो छठ पूजा पर्व है, जो बहुत ही शानदार से लोग मनाते हैं, भाईचारे के साथ मनाते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं कि महिलाएं अपना दंडवत कर रही है, जाने से पहले दंडवत कर रही है, आप लोग वीडियो में देख सकते हैं। भैया छठ पूजा मनाना कोई मामूली सी बात नहीं है, इसमें महिलाएं दो दिन तक बिना पानी तक बिना खाए पिए अपना पूजा करते हैं और उगते हुए सूरज को और डूबते हुए सूरज को अर्घ देते हैं। ऐसा बताया जाता है कि बिहार का सबसे अच्छा पूजा है। और आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग के सुविधा के लिए यहाँ पे प्रशासन भी तैनात खड़ी है, आप लोग वीडियो में देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये देखिए भैया, मतलब इतना सारा भीड़ है, हम लोग का गांव का सीन है, तो सोचे कि चलिए हम एक ब्लॉग बना लेते हैं, अपने दोस्तों को दिखाएंगे कि मेरा गांव में कितना है। ये देखिए भैया, नदी में इतना सारा भीड़ है कि मतलब ये तो फर्स्ट का है, मतलब इतना सारा भीड़ है कि आप लोग देख कर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बिहार में किस तरह से छठ पूजा मनाया जाता है। और ऐसा बताया जाता है कि बिहार एक ऐसा राज है जो सूर्य के हर रूप को पूजा करता है, उगते हुए सूरज को पूजा करता है, डूबते हुए सूरज को पूजा करता है। और सबसे खास बात तो ये है कि दो दिन तक बिना कुछ खाए बिना अन्न बिना पानी। ये देखिए हम लोग के गांव के चाचा हैं जो ढोलक बजा रहे हैं पूजा में, बैठ के अपना आराम से बजा रहे हैं ये। और ये देखिए दोस्त, यहाँ कैसे वो बज रहा है, मतलब हर तरह से यानी धूमधाम से जिसको जो मन हो रहा है वो मना रहा है, अच्छे से मना रहा है, यानी छठ पूजा जितना हो सके अपना फ़ायदा उठा रहे हैं भैया लोग। और ये देखिए हम लोग का छठ घाट बना हुआ है भैया, जो सारे महिलाएं अपना मतलब पूजा पाठ कर रही है अभी, क्योंकि अभी अर्घ मैंने शाम के अर्घ देने का भी समय नहीं हुआ है, इसके वजह से सारे महिलाएँ अभी पूजा कर रही है। बस कुछ ही देर में आप लोग को अर्घ देने वाली वीडियो दिखाएंगे, तो आप लोग वीडियो में बना रहिएगा, आप लोग को आगे का भी नज़ारा दिखा रहा है। वीडियो में बहुत कुछ दिखाएंगे भैया, इसलिए वीडियो का स्किप मत कीजिएगा, आप लोग वीडियो में पूरा देखिएगा। और पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करें और जितना हो सके शेयर करें, क्योंकि यार हम लोग का ये बेस्ट सबसे बेस्ट पर्व माना जाता है हम लोग का, तो वो छठ पूजा। और यहाँ देखिए, यहाँ महिलाएं एक दूसरे को सिंदूर लगा रही है और अपना जो भी होता है पूजा में अपना हिसाब से अपना कर रहे हैं, ज़्यादा हम बता नहीं सकते क्योंकि आप लोग वीडियो देखिए, आप लोग को खुद समझ में आ जाएगा। ये देखिए एक दूसरे को अपना सिंदूर लगा कर, हम लोग का नियम माना जाता है इसलिए अपना कर रहे हैं। और यहाँ पर देखिए ये भैया है जो सात सूप का अर्घ दे रही है। ऐसे लोग बोलता है कि जो भी मन्नत मांगता है उसकी अगर मनोकामना पूरी होती है तो लोग खुशी से होकर सात सूप से सूरज भगवान को अर्घ दिया जाता है, ऐसे बुजुर्गों कहते हैं, बुजुर्ग का मानना है ये, तो आप लोग हम यही दिखा रहे हैं। ये देखिए ये भैया हमारे गांव का है जो पगड़ी बांधे हैं, ये हम लोग का दीदी हैं, हम यहीं पर घूमने आए थे, जो सोचते कि थोड़ा दीदी का भी सीन ले लेते हैं। देखिए अभी मतलब शाम का अर्घ दिया आने लगा है, हम यहाँ पे राउंड गोले गोले घूमकर सूरज भगवान को अर्घ दिया जा रहा है, आप लोग वीडियो देखकर समझ सकते हैं, मतलब गोले गोले राउंड कर घूम घूम कर सूरज। और ये देखिए सूरज भगवान के इंतजार में सूप लिए उनका इंतजार कर रहे हैं कि कब तक डूबे कि हम लोग अर्घ दें।
बहुत भीड़ था भैया, ब्लॉग बनाने में बहुत दिक्कत हुआ, लेकिन फिर भी हम सोचे कि नहीं, एक ब्लॉग तो बनाना चाहिए और आप लोगों को दिखाने का काम किए। देखिए सारे महिलाएं अपना इंतज़ार कर रहे हैं, और ये देखिए अब हो गया अर्घ देने का समय, हो गया सूर्य भगवान डूबने वाले हैं तो अर्घ देने के लिए समय हो गया। तो आज के लिए इतना ही, लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का, लाइक और शेयर ठोक दीजिए।